अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtexstore.com और आज आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही हाइप प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ। सो मैं बात कर रहा हूँ DT7 स्मार्ट वॉच की। सो DT7 स्मार्ट वॉच जो है ये वेयर प्रो ब्रांड की तरफ से लॉन्च की गई है और ये वॉच उसी ब्रांड की तरफ से लॉन्च की गई है जिन्होंने DT100 और DT100 प्रो प्लस को लॉन्च किया था। सो DT7 स्मार्ट वॉच का सबसे ज्यादा मेन जो सेलियंट फीचर है वो ये है कि ये सीरीज 7 का लोकल आइक है और इसका जो डिस्प्ले है वो इंतहाई इंप्रेसिव डिस्प्ले है। इसमें जो नॉचेस और बेजल्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं, बहुत ही कम है। इसका डिस्प्ले बहुत जायगेंटिक है, 1.78 इंचेस का इसके अंदर IPS डिस्प्ले जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और इसी तरह इसके अंदर एक वो कंटिन्यूस नीडल वाला जो है वो फीचर भी आपको मिल जाता है जो कि इसको एक बहुत ज्यादा हाई मतलब जो है हाई एंड एक प्रोडक्ट वाली लुक और बहुत ही जबरदस्त एक फील देता है। सो DT7 स्मार्ट वॉच का आगे मैंने रिव्यू किया है, इसके सेलियंट फीचर कुछ आपको बता दूं। वाटरप्रूफ है, कॉलिंग वाली घड़ी है, मल्टीमीडिया वाली वॉच है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, स्क्रॉल काम करता है, वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, इसी तरह कस्टमाइज वॉच फेसेस का ऑप्शन है और इसी तरह एक्स्ट्रा वॉच फेसेस का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है और डिस्प्ले इंतहाई इसके अंदर आपको जो है वो जबरदस्त मिल जाएगा। सो वीडियो को आगे आप देखें, इसमें सारे फीचर्स के डिस्क्राइब किए, अनबॉक्सिंग की है, आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद, स्टे विद अस। तो ये DT7 का बॉक्स देख सकते हैं, इसी तरह बड़ी खूबसूरत वॉच है, 7 का इसके अंदर लोगो है, इस तरह मतलब एक दिया हुआ साइन, बैक साइड पे इसकी ऐप का QR है और इस साइड पे जो है यहाँ पे भी ऐप का नाम है और इसी तरह जो है बड़ा सिंप्लीफाइड सा इसका बॉक्स है, काफ़ी खूबसूरत बॉक्स है। इसको अनबॉक्स करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग में सबसे ऊपर जो है इसका मेन्यू आ जाएगा जो कि बड़ी जल्दी से निकल आया है इसके अंदर से, और इसी तरह मेन्यू के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे हमारी जो है घड़ी आ जाएगी। घड़ी की पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पूरी वॉच जो है ये असेंबल्ड दी हुई है इस बार इन्होंने, नहीं तो स्ट्रैप अलग होते हैं, और यहाँ पे हमारी वायरलेस चार्जिंग केबल है और यहाँ पे सिलिका जेल है और इसके नीचे भी ये एक मैनुअल इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो ये इसके कंटेंट्स हैं सारे। ये इसके अंदर चार्जिंग केबल जो इंक्लूड है ये बिल्कुल ओरिजिनल एप्पल वॉच स्टाइल की जो है ये चार्जिंग केबल है, वायरलेस है, इसके अंदर कोई पिन्स नहीं है, सिंपली घड़ी आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लेटेस्ट जो है मतलब जितनी अब घड़ियाँ आ रही हैं सबके अंदर वायरलेस चार्जिंग इंक्लूडेड है। सो अपनी घड़ी की तरफ चलते हैं। सो ये घड़ी की लुक्स हैं, ओवरऑल घड़ी का वेट काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। ये हमारे पास ये रिमूवेबल स्ट्रैप्स हैं 44mm के जो कि आप जो है यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ओरिजिनल एप्पल वॉच के भी ये रिमूवेबल होते हैं। इसी तरह घड़ी को जो है अनरैप मैं कर लेता हूँ, तो अनरैप करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस ग्रे साइज का कलर है, जिंक एलॉय के अंदर ये सारी जो है घड़ी कंस्ट्रक्ट हुई है, साइड सारी मेटल की हैं। इसी तरह ये शीशा है, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का इसके अंदर कॉइल लगा होगा, यहाँ पे स्पीकर के लिए स्ट्रेट वाली ग्रिल है जो कि सीरीज 7 की है, यहाँ पे क्राउन है, यहाँ पे माइक्रोफोन है, क्राउन रोटेशन पे भी काम करता है, प्रेस करने पे भी काम करता है, फ्रंट पे शीशा लगा हुआ है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ बॉडी के साथ अटैच किया गया है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे घड़ी, वेट के हिसाब से भी काफ़ी प्यारी लग रही है, मतलब कि ना एक फील आ रही है कि अच्छी घड़ी है, इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो उसकी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसको ऑन करके चेक करते हैं। तो ये एक बहुत ही क्विक स्टार्टअप है इसका, कोई एनिमेशन साउंड नहीं है और कोई ज़्यादा इसमें स्टार्टिंग के अंदर आपको वो नहीं मिलती है एनिमेशंस। सो ये इसका डायरेक्ट जो इसका डिस्प्ले है, वॉच फेस है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर 1.75 इंचेस का H2H डिस्प्ले इंस्टॉल्ड है जो कि ऐसे फील करवाता है जैसे कि ओरिजिनल एप्पल वॉच वाला डिस्प्ले इसके अंदर लगा हुआ है। रेटिना डिस्प्ले है, IPS इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि बहुत ही ब्राइट है। इसकी जो कलर वाइब्रेंस है, इसकी रेजोल्यूशन है वो आप अपने सामने देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, और इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है शीशा, ये इस तरह जैसे कर्व एक शीशा लगा होता है जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले मज़ीद बड़ा लगता है। इसी तरह अगर इसके डिस्प्ले में एजिस की बात की जाए तो आप ये देखें बॉटम वाला बिल्कुल ना होने के बराबर है, साइड्स वाले और ऊपर टॉप वाले तो नॉच और बेजल जो है बहुत ही इसके अंदर जो है कम है, मिनिमम है। इसी तरह बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है, काफ़ी वॉच फेसेस हैं इसके अंदर, इसके अंदर मजीद वॉच फेसेस इसकी ऐप से भी हो जाएंगे, इसके अंदर कस्टमाइज वॉच फेस भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब अपनी फोटो वगैरह लगा सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह इसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल है, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल है, यहाँ पे NFC का फीचर है। पाकिस्तान वाली मार्केट में मतलब NFC का जो फीचर है इसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, बहुत से ऑनलाइन वाले लोग हैं जो कहते हैं NFC वाली घड़ी। NFC वाली घड़ियाँ काफ़ी देर से आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि इसका हमारे पास यूजेज कोई नहीं, क्योंकि ये अली पे
वाला पेमेंट का सिस्टम है, हमारे पास तो यहाँ पे अली पे वाला सिस्टम है नहीं कोई एनएफसी के थ्रू, सो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। लेकिन एक फीचर है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दिया करूँगा कि इसके अंदर एनएफसी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसकी एप्लीकेशन का क्यूआर है, इसी तरह ये स्लाइड पे हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू है, स्लाइड अप करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे मेन मेन्यू आ जाएगा, और इसी तरह राइट करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हेल्थ एक्टिविटी है, बीपीएम है, वेदर है, और इसी तरह यहाँ पे आप मज़ीद शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। इस घड़ी का जो है आप वर्किंग देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है, ऐसे लगता है इस तरह किसी मोबाइल फ़ोन की वर्किंग है। सो इसके मेन्यू में जंप करते हैं हम, मेन्यू में आएंगे तो बहुत ही स्मूथ इसका मेन्यू है, और डिस्प्ले पे इस तरह के H2S डिस्प्ले पे इसका मेन्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जो है H2S इसका डिस्प्ले है। मेन्यू की स्मूथनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह जूम इन और जूम आउट का भी फीचर आपको मिल जाता है, और मेन्यू की स्मूथनेस तो इसकी ऐसे है जैसे कि कोई ओरिजिनल एप्पल वॉच होती है उस तरह की है। मेन्यू की स्मूथनेस इसके अंदर इस तरह है जैसे ओरिजिनल एप्पल वॉच की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले जो है और जो इसका टच है वो काम यहाँ पे कर रहा है। ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होता है, इसका यही फ़ायदा होता है इसके अंदर आपको एनिमेशंस बहुत स्मूथ मिल जाती हैं। सो इसके अंदर बहुत से फीचर हैं, मैं इसका मेन्यू स्टाइल चेंज करता हूँ ताकि आपको सारे जो फीचर्स हैं उसमें नेविगेट कर सकूँ। सो इसका मेन्यू स्टाइल मैंने चेंज किया है, इसके अंदर 7 मेन्यू स्टाइल आपको मिल जाएंगे। एक आपने देख लिया है, एक ये है, और बाकी इसके अंदर मज़ीद 5 और हैं। इसी तरह सबसे ऊपर टेलीफोन का ऑप्शन है, क्योंकि ये वॉच ब्लूटूथ वाली है, कॉलिंग वाली है, इसके अंदर माइक्रोफोन स्पीकर है, तो ये जो है कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। आप इसे कॉल डायल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है, कॉल रिकॉर्ड्स है, डाटा है, डाटा के अंदर आपकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, एक्टिविटी की, स्पोर्ट्स के मोड्स हैं, वॉकिंग वगैरह सारे मोड्स इसके अंदर आ जाएंगे, वन बाय वन आप देख सकते हैं। इसी तरह हार्ट रेट है, ECG है, ब्लड प्रेशर है, SpO2 है, और म्यूज़िक कंट्रोल है, स्लीप मॉनिटर है, स्टॉप वॉच है, वेदर है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो कि वेदर के बाद एप्लीकेशन का QR है। यहाँ पे GPS ट्रेजेक्ट्री है, ये इसका मतलब ये नहीं है इस घड़ी के अंदर GPS है, इसका मतलब ये है जब आपने मोबाइल से पेयर की होगी तो ये मोबाइल के GPS से एक रीडिंग ले लेगी GPS ट्रेजेक्ट्री की, जो कि आपकी लोकेशन होगी। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास, ये टाइम है, टाइम के बाद वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट में एप्पल से पेयर करेंगे तो सीरी को कमांड दे सकेंगे इस घड़ी से, एंड्रॉयड से पेयर करेंगे तो गूगल असिस्टेंट को दे सकेंगे, अलार्म क्लॉक है, फ्लैश लाइट है, कैलकुलेटर है, फाइंड माई फ़ोन है। इसी तरह यहाँ पे एक और भी ये ऑप्शन है जिसको मेट्रोलॉजिकल कहेंगे, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट की जो और एयर प्रेशर की जो है डिटेल आ जाएगी, ये आपके मोबाइल का जो वेदर वाली ऐप है उससे ये सिंक करेगा। और इसी तरह यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मसाजर है, और मुझे आज तक नहीं समझ आई ये घड़ी के अंदर ये वाइब्रेशन क्यों देते हैं, मतलब ये मैं ऑन कर दूंगा तो ये घड़ी वाइब्रेट होने लग जाएगी, मतलब ये घड़ी से कौन मसाज करेगा, बैटरी टाइम लोगों को चाहिए, लोग तो मेरे ख्याल से इसकी वाइब्रेशन जो हैप्टिक फीडबैक्स हैं वो भी बंद कर देंगे। एनी हो इसके अंदर लेडी असिस्टेंट भी है, और इसके अंदर इसी तरह यहाँ पे मेन्यू स्टाइल्स हैं और सेटिंग्स हैं, सेटिंग देखते हैं, लैंग्वेज है, डायल स्विच है, स्क्रीन टाइम आउट है, मैक्सिमम 30 सेकंड का है, वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, पावर सेविंग मोड है, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मोड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे मोड सिलेक्शन का। होता यह है कि ये ब्लूटूथ वाली मल्टीमीडिया वॉचेस है, इसके अंदर 2 तरह के ब्लूटूथ के मोड्स होते हैं, एक ब्लूटूथ 3.0 और एक ब्लूटूथ 5.0। 3.0 पे होता यह है कि आपकी वॉच सिर्फ आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी, सिर्फ फिटनेस वगैरह और टाइम सिंकिंग के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए, मतलब नोटिफिकेशन सोशल मीडिया की, मैसेजेस वगैरह की नोटिफिकेशंस आपको आएंगी, कॉल्स की भी आएंगी। लेकिन अगर आप इससे कॉल अनेबल करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलिंग करना चाह रहे हैं, तो ब्लूटूथ 5.0 यूज़ होगी। तो ब्लूटूथ 5.0 के लिए अब ये दोनों मोड्स में सिलेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट मोड के अंदर 3.0, वॉच मोड के अंदर 3.0 प्लस 5.0 दोनों काम करेंगी। सो ये बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, ऑप्शन दे दिया है, पासवर्ड का ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, और ओवरऑल इसके सारे जो फीचर है मैंने आपको शो कर दिए हैं। इसी तरह घड़ी वाटरप्रूफ है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, इसके अंदर जो है हमारे पास 250mAh की बैटरी इंस्टॉल्ड है जो कि आपको बहुत अच्छा बैकअप देगी। वायरलेस चार्जिंग का मैंने बताया है, सिंपली आपने वो वायरलेस चार्जिंग पैड है उसके ऊपर रख देंगे, घड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह जो DT7 वॉच है, इसकी एप्लीकेशन वेयर प्रो के नाम से, बड़ी स्टेबल और ग्लिच फ्री एप्लीकेशन है। यहाँ पे इसका मेन पेज है जहाँ पे सारा डाटा आएगा, स्पोर्ट्स का यहाँ पे सारा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपकी डिवाइस आ जाएगी और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनेगी।
सो डिवाइस के अंदर आएंगे, आप देखेंगे वॉच, मतलब वॉच कनेक्ट है, इसी तरह इसके सारे ऑप्शन हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ECG, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे मोर के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस हैं, इसी तरह QR कोड का ऑप्शन है, इसके अंदर आप व्हाट्सएप वगैरह का QR कोड कर सकते हैं, टिल टू वेक अप, इनकमिंग कॉल और SMS, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह वॉच फेसेस का ऑप्शन है, वॉच फेसेस इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे Series 7 का है, इसी तरह इसके अंदर और भी बहुत से वॉच फेसेस हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है आपको 200 वॉच फेसेस मज़ीद मिलेंगे जो कि इसकी एप्लीकेशन के अंदर हैं। सो ये लोड होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अभी मेरे पास इंटरनेट काफ़ी स्लो है, और यहाँ से कस्टम भी हो जाएगा, इसके अंदर आप अपनी फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं और ढेर सारे वॉच फेसेस आप कर सकते हैं, अराउंड 200 प्लस वॉच फेसेस इसके अंदर होंगे और वो अपडेट होते रहते हैं। सो बड़ी स्टेबल एप्लीकेशन है, कोई एड्स नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है iOS पे भी और Android पे भी। बाकी GT7 घड़ी की बात की जाए तो एक ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच जो है इंट्रोड्यूस की गई है एक बड़ी बजट के अंदर, और आप इसका डिस्प्ले अगर देखेंगे तो डिस्प्ले इसका बहुत ही इंप्रेसिव है, साथ ही साथ इसके अंदर जो ये स्पेस ग्रे कलर है, सेम Series 7 का कटआउट है स्पीकर वाला, बैक साइड पे भी Series 7 का ही नाम लिखा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग है, वाटर प्रूफ है घड़ी, कॉलिंग है, तो बहुत से इसके अंदर फीचर जो है वो दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से एक बड़ी परफेक्ट वॉच है। और साथ ही साथ ये जो व्हाट्सएप और अली पेमेंट वाला जो सिस्टम है इसके अंदर NFC वाला, वो भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन चूंकि NFC पाकिस्तान में है नहीं तो इसलिए उसकी जो यूटिलिटी है यहाँ पे हमारे लिए किसी काम की नहीं है। सो बड़ी खूबसूरत घड़ी है। अच्छा, इसमें लोग अब कुछ ये भी कंपेयर करते हैं कि ये DT7 Plus जो इसके बाद है, ये DT7 Plus का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंटायरली डिफरेंट घड़ी है। अगर DT7 में सुपीरियर और प्लस में देखा जाए तो ये ज़्यादा उससे सुपीरियर है, DT7 Plus वैसे भी घड़ी जो है सस्ती है, सो मेरे हिसाब से DT7 घड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। सो होपफुली आपको DT7 स्मार्ट वॉच का रिव्यू पसंद आया होगा, मेरे हिसाब से एक फैंटास्टिक स्मार्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक्स हैं, इसका जो ब्लैक कलर है वो बिल्कुल एप्पल का जो, मतलब एप्पल वॉचेस में ब्लैक कलर नहीं आता, एप्पल वॉचेस के अंदर स्पेस ग्रे कलर आता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट स्पेस ग्रे कलर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बहुत खूबसूरत लुक है। इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत फिजिबल है, iOS प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म दोनों पे जो है इसकी एप्लीकेशन बहुत सुपर काम करती है। इसी तरह DT7 स्मार्ट वॉच एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं mtechstore.com, और इसी तरह जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पे हमें जरूर फॉलो करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट गैजेट के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज।